सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज आता हमें रोजे पीर पे, जो पड़ता है हमारा सडोरे में। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो दिखाते हैं आपको रोजे पीर का पूरा दृश्य। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। सो गाइस, फिलहाल चलते हैं अंदर की ओर, दिखाते हैं आपको जाके अंदर का पूरा व्यू। तो फाइनली गए हम रोजे पीर पे पहुंच चुके हैं और हमारे सामने ये पीर जी की दरगाह। तो पहले टेक लेते हैं माथा और फिर चलते हैं आगे की ओर। फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे जाके आगे का पूरा व्यू। तो वीडियो पूरे देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको पूरा बारीकी से दिखाऊँगा पूरा व्यू यहाँ का। तो ये रहा साइड का व्यू गाइस। तो मैं साइड से आपको पीर जी की दरगाह दिखा देता हूँ। और ये 11वीं सरकार है। और गाइस, ये लगभग यहाँ 450 साल पुरानी दरगाह है। और यहाँ पर सितंबर के महीने में एक मेले का आयोजित किया जाता है, और वो मेला लगभग 5 से 6 दिनों के करीब भरता है। सो गाइस, आप फ्रंट का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा निकल के आ रहा है। और एक सामने यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, इस पर लिख रखा है कि यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक कराना मना है। तो जब भी आप यहाँ पर आओ, इस बात का खासकर ध्यान रखें, जो आपको एक बार दी फोटो क्लिक करानी हो तो मेन से फोटो क्लिक कराओ। ज़्यादा वीडियो मत बनाओ यहाँ पर, क्योंकि ये किस्म से किसी की भावना को ठेस पहुँचाना हो सकता है। तो आप खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें। और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का और भी व्यू। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो ये दरगाह है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है और पंजाब की सबसे ऊंची गद्दी है। तो जब यहाँ पर मेला भरता है, तो मेले टाइम पे यहाँ पर पंजाब से श्रद्धालु आते हैं और मेले में भंडारे वगैरह चलाते हैं। तो गाइस, मेले टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो अब चलता हूँ लेके मैं आपको बाहर की ओर, दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, इस साइड लगा हुआ है मेला। फिलहाल थोड़ी बहुत दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, और आज वीरवार का दिन है। तो वीरवार के दिन यहाँ पर दुकानें वगैरह लगती है, और जो प्रसाद वगैरह की रेडी लगती है। तो आप यहाँ पर जो और किसी दिन आना चाहो, तो उस दिन भी यहाँ पर आ सकते हो। और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मैंने आपको बहुत ही नॉलेज भरी बातें बताई हैं वीडियो में। जो आपको यहाँ पर मेले में आना हो, तो दिसंबर के महीने में यहाँ पर मेला भरता है, तो आप यहाँ पर दिसंबर के महीने में आ सकते हो। तो दोस्तों, इस साइड आपको एक पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, जो फ़िलहाल बंद है। शायद ये मेले के टाइम पे खोल दिया जाता होगा, तो फिलहाल तो ये बंद ही है। और बीच में इसके रहा एक तालाब, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ खड़ा है। तो चलते हैं आगे की ओर और करते हैं वीडियो का एंड। सो आई होप गाइस, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।